मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है। उन्होंने वायदा किया था, क्या उसने हर एक को मकान दिया, पक्का मकान दिया? नहीं, तो वो झूठ है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार हैं। और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी गारंटी, अब वो बीजेपी गारंटी नहीं बोलते या उनके सरकार की गारंटी नहीं कहते, वो हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी ये है, उन्होंने 2014 में ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। क्या उसने दिया? क्या उसने 2 करोड़ नौकरी दी? अरे एक प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है? नहीं, ठीक है। अब फिर उसने ये कहा कि बाहर से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख उसके जोब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले? फिर मोदी झूठ है क्या? आप झूठ है, मोदी झूठ है। फिर 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान मैं बनाऊंगा कहा। क्या पक्के मकान सबके बने? नहीं बने? तो मोदी झूठ है क्या? लोग झूठ है? मोदी झूठ है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का उन्होंने वायदा किया था, क्या उसने हर एक को मकान दिया, पक्का मकान दिया? नहीं, तो वो झूठ है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार है। उसके बाद पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वायदा किया और धोखा दिया, और 10 सालों में मोदी जी घूम घूम कर इस योजनाओं का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज किसी को भी वो फायदे नहीं मिले। फिर भी वो कहते हैं कि बेरोजगारी निकालूंगा। अरे उस इतने कीमतें ऊपर गए हैं, फिर भी मोदी ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं, फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना